हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी प्रूडेंस 37 पर। जी हाँ साथियों, आज आ चुके हैं आपके सामने लेके 9 जून के एसएससी सीएचएसएल के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। ठीक है दोस्तों, ये एग्ज़ाम एनालिसिस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है साथियों, किस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का ग्रंथ है? तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि किस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का ग्रंथ है। तो साथियों, इसका आंसर आपको पता होगा तो राज तरंगिणी। जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, ये सारे क्वेश्चन आए हुए आपके शिफ्ट में। दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना किसने की? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी साथियों। अगला है, तुलादान और झरोका दर्शन को किसने समाप्त किया? तो प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए, ये औरंगजेब ने, ठीक है, तुलादान और झरोखा को समाप्त किया। अगला है, पिट्स इंडिया अधिनियम कब पारित किया? तो 1784 में। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की, दिल्ली का हौज खास किसने बनवाया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। ठीक है, बात करते हैं छठे प्रश्न की अपने, अंग्रेजों ने भारत पर लगभग शासन किया, कितने साल शासन किया? तो ये 200 साल शासन किया, 200 वर्ष। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अंग्रेजों ने भारत पर लगभग, ये हो गया दीघा निकाय बौद्ध डैश डैश प्रवचनों का संग्रह है, दीघा निकाय, तो ये किसका, किस प्रवचनों का संग्रह है? तो ये बौद्धों का संग्रह है, एक तरफ से बौद्ध प्रवचन है ये। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की अपने, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, त्रिपिटक क्या है? देखिए दोस्तों, ये जो त्रिपिटक है ये पवित्र ग्रंथ माना जाता है, तो ये किसके शासन में या किसके समय का है? तो ये बौद्ध ग्रंथ का, बौद्ध धर्म वालों का ये त्रिपिटक ग्रंथ है। ठीक है, जैसे हमारा महाभारत हो गया, जिसे जय संहिता भी कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की अपने, नोबल परंपरा किस राजवंशों से जुड़ी थी? तो ये जुड़ी थी आपकी सेन वंश। साथियों, ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ यार, जो भी चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि हम आपको डेली ऐसे ही रोचक और रियल क्वेश्चन पेपर आपके साथ ले आते हैं। जो भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए साथियों, बहुत मेहनत लगती है, तो एक सब्सक्राइब जरूर करना यार। ठीक है, अपने भाई को सपोर्ट दो। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर अपने, 1866 में केशव चंद्र सेन और अनुयायी ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आपको बताना है, तो ये भारत का ब्रह्म समाज, इसका सही आंसर। ठीक है, बहुत रियल पेपर है यार, आप लोगों के लिए क्वेश्चन सेट बना के लाए। उपनिषद किताबें किस पर आधारित है? उपनिषद की जो किताब है, ग्रंथ है, वो किस पर आधारित है? वो दर्शन यानी फिलॉसफी पर आधारित है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न के अपने, गौतम बुद्ध के पहले शिक्षक कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था ये भी, तो ये क्या है? अलारा कनामा। ठीक है, अलारा कनामा। अगला प्रश्न है आपका, रानी दुर्गावती एक राजकुमारी थी, तो किस वंश की? चंदेल, किसकी थी? चंदेल की। अगले प्रश्न की ओर, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने किस वर्ष में कश्मीर छोड़ो आंदोलन शुरू किया? तो साथियों, इसका सही आंसर 1946 में। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की अपने, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर एक गोदाम मिला? तो साथियों, लोथल में मिला है। लोथल कहाँ पे है? ये गुजरात में। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है ना, तो बिल्कुल आना चाहिए। अगला प्रश्न है, शुल्वा सूत्र किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आज के शिफ्ट में, तो ये किससे है? अग्निवेदी का निर्माण या अग्निवेदी का क्या मापन, मेजरमेंट। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले 19वीं सदी के भारत के एक प्रथम समाज डैश डैश थी, क्या थी ये? ये समाज सुधारक, क्या थी? समाज सुधारक थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया सेकंड शिफ्ट में, तो ये किसे कहा जाता है? ऐहोल को। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की अपने, पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब की? तो आपको बताना होगा, पिन कोड की शुरुआत जो प्रणाली की, 1972 में। ठीक है साथियों, आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थे आज आपके, जो हमने लेके आपके लिए 9 जून के एसएससी सीएचएसएल के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन। साथियों, आपको पता है 24 मई से पेपर चल रहे हैं,
और आपके 10 जून को ख़त्म हो जाएंगे एसएससी सीएचएसएल के। तो साथियों हमने आपको बीच बीच में काफ़ी वीडियो लेके आए, और अगर आप एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसके बाद एमटीएस का भी बैच नारायणास्त्र बैच शुरू करने वाले हैं दोस्तों, जिसमें कि 400 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए रहने वाले हैं। तो सभी के सभी बच्चे जो भी वीडियो देखते हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों एक बार ट्रस्ट करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको हम अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, हमारा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।